ये बांदुकी जाओ तो बांदुकी की मशहूर मूंगफली जरूर लेकर आना। इस दाने की बनती है मूंगफली काली वाली, सादा दाना आता कच्चा, जयपुर मंडी से आता है, चांदपुर मंडी से, और ये कच्चा दाना है, इस दाने से बनती है काली मूंगफली, क्वालिटी वाला दाना है। डालने का वो डलता है सेंधा नमक डलता है और ब्लैक नमक डलता है काला नमक, पानी में डालने के बाद इसको 1-1.5-2 घंटे भिजोते हैं। भिजोने के बाद इसको निकाल कर और धूप में सुखाकर फिर इसको मसाले में सेका जाता है। भाई इसकी क्या डिमांड दूर दूर तक है, विदेशों तक आती है, लोग बाग दूर दूर तक ले जाते हैं और इसकी इतनी डिमांड होती है कि हमसे खुद पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि इस मूंगफली को सेकने वाले कारीगर होते हैं, जितना सीखता है उतना बांदीकुई में सेल हो जाता है। बाहर के लोग जो आते हैं जयपुर, दौसा, दिल्ली, मुंबई, आगरा, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कोटा, दूर दूर तक आते तो उतना माल जितना सप्लाई हो जाता है, डिमांड इतनी होती है कि हम इसको आगे तक सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि जितना दाना होता है सिर्फ बांदीकुई में दूर दूर तक बिक जाता है। इस काम को कम से कम हम 50-60 साल से कर रहे हैं, पहले हमारे फादर वगैरह, दादा दादी वगैरह करते थे, अब उसके बाद फिर हमने इस काम को संभाला तो हम कर रहे हैं। अरे किस तरह बनती है मूंगफली? जैसे इस मूंगफली को मतलब कच्चा दाना जो होता है वो कच्चा दाना हम चांदपोल मंडी जयपुर से लेकर आते हैं, और फिर लाने के बाद में हम इसको सफाई कर अच्छी तरह साफ पानी लेते हैं, साफ पानी के अंदर टंकी में डालते हैं, टंकी में डालने के बाद खाने का जो नमक होता है, मीठा सोडा होता है, काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, उसको हम इसमें डाल देते हैं। जैसे 50 किलो गिरी होगी तो उसके अंदर उसी हिसाब से उसमें सामग्री डलेगी, और डालने के बाद जो कच्चा दाना होता है उसमें पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद जो उसका फ्लेवर होता है, नमकीन नमक का टेस्ट होता है, वो उसमें पास हो जाता है, और पास होने के बाद निकालने के बाद इसको 1-1.5-2 घंटे हम धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर हम इसको बाढ़ पर ले जाते हैं, बाढ़ पर इसका मसाला होता है, उस मसाले में इसको भूनते हैं, इसका 1.5-2 घंटे के अंदर, मतलब 1.5-2 घंटा लगता है 50 किलो माल सेकने के अंदर, तो तैयार हो जाता है, फिर उस हिसाब से बाजार में सप्लाई हो जाता है। हमारे दादा दादी के ज़माने का पहले हमारा फादर वगैरह, हमारा दादा दादी करते थे, उसके बाद फिर हमने इस काम को करा है, और बहुत पुराना काम है, बहुत पुरानी हमारी दुकान है, हमारे दादा दादी के ज़माने की, यानी कि 1966-1967 से जब से कर रहे हैं काम। और इस मूंगफली का बांदीकुई में चलना कि बांदीकुई के अलावा आपको ब्लैक दाना कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बांदीकुई में बिकती है और दूर दूर तक इसकी डिमांड होती है मूंगफली की। जैसे दौसा है, सिकंदरा है, बसवा है, राजगढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है, आगरा है, वहाँ दूर दूर तक जाते हैं मेहमान, जो लोग आते हैं जो सौगात के रूप में इसको ले जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार ने अगर एक बार किसी को खिलाए नहीं दाना तो उसको पसंद आता है, तो रिश्तेदार दूर दूर तक मंगाते हैं, भाई बांदीकुई जाओ तो बांदीकुई की मशहूर मूंगफली जरूर लेकर आना। यह काली मूंगफली लेने के लिए आए हैं, ये बांदीकुई की बहुत फेमस मूंगफली है, जो राजस्थान के अलावा और प्रदेशों में भी सभी तरह से लोग जब बाहर जाते हैं वो सब खूब लेके जाते हैं, यहाँ से बहुत मांग रहती है और दिन में दिन भर ताज़ा मिलती रहती है, काफ़ी गर्म सिकाई होती रहती है, ये यहाँ की विशेष है। ये अब जैसे बीज के सुखा के माल तैयार आ गया, अब इसको सेक रहे हैं, अब करते हैं, इसमें आधी घंटा लग जाएगा, जिसमें 15 किलो का एक बाउल सीख जाता है, 10 से 15 किलो का तैयार हो जाता है आधी पौन घंटे। भाई जैसे लोग जो पहले पुराने लोग बताते हैं, अब हम तो काफ़ी बाद आए हैं इसमें, कि किसी ने इसको रोस्टेड किया था, सेका था, तो उसमें जैसे सफ़ेद नमक की जगह उसने मीठा सोडा डाल दिया, उससे ब्लैक हो गया, उसके बाद लोगों ने खाई इसको तो उसको पसंद आई, भाई अच्छी चीज़ है, इस तरीके से इसका चलन हो गया।